नमस्कार दोस्तों, न्यूज धरोहर में आपका स्वागत है। नवरात्रि के इस महापर्व में व्रत समापन कन्या पूजन करके ही किया जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों किया जाता है कन्या पूजन? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं इसका धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व। नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनकी आभगत की जाती है। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं को देवियों की तरह आदर सत्कार और भोजन कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। नौ कन्याओं को नौ देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र व्रत पूरा होता है। ऐसा माना जाता है अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। भोजन कराने के साथ ये आवश्यक है कि आपके जरिए किसी भी कन्या का निरादर ना हो। 10 वर्ष तक की कन्या में माँ का अंश मौजूद रहता है और वो माँ की तरह ही शुद्ध और निश्चल होती है। जो भक्त श्रद्धा भाव से कन्याओं में उनका अंश मानकर भोजन करवाता है, उस भक्त पर सदा माँ की अनुकंपा बनी रहती है। जो व्यक्ति कन्याओं का निरादर करते हैं उसके घर वे कभी नहीं आती है और वो व्यक्ति माँ के क्रोध का भागी बनता है। इसलिए कन्याओं को जात पात का भेदभाव किए बिना भोजन करवाना चाहिए। नवरात्र के इस महापर्व पर भक्ति की शक्ति देखते रहें सिर्फ न्यूज धरोहर पर। आप हमें कमेंट कर दें अपने सुझाव और बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। Thank you.